नमस्कार, अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की नवीनतम घटनाओं से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार व्यूअर्स, अध्ययन आईएएस आपके लिए लाया है आरओ एआरओ एग्जामिनेशन से जुड़े सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का एक नया राज्य बन गया? हमारे ऑप्शंस हैं ए 32वें 1974, बी 35वें 1975, सी 36वें 1975 या डी 37वें 1978। और हमारा उत्तर है सी 36वें 1975। 26 अप्रैल 1975 को 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। सिक्किम राज्य दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, क्योंकि यह वह दिन था जब सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण किया था। असम, नागालैंड, गोवा और मिजोरम के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ए असम, नागालैंड, गोवा, मिजोरम या बी असम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, सी असम, नागालैंड, मिजोरम या गोवा या फिर डी असम, गोवा, मिजोरम या नागालैंड। हमारा उत्तर है सी असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। नागालैंड का संगठन 1963 में हुआ था। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। एक राज्य के रूप में गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। भारत के निम्नलिखित में से कौन राज्य बनने से पहले केंद्र शासित प्रदेश थे? ए हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, बी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, सी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। 5 वर्तमान राज्य अर्थात पूर्ण राज्य बनने से पहले गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश थे। 1987 में गोवा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा तथा 1987 में मिजोरम एक राज्य बन गया। सिक्किम 1974 में एक संरक्षित राज्य बन गया और 35वें संशोधन के तहत 1974 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी आंध्र प्रदेश। हमारा उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। द्विसदनीय विधानमंडल वाले 6 राज्य बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी सार्वजनिक स्थानों पर सभी नागरिकों के लिए उपयुक्त है? ए अनुच्छेद 15(2), बी अनुच्छेद 16 पैराग्राफ 2, सी अनुच्छेद 17 या फिर डी अनुच्छेद 18। हमारा उत्तर है ए अनुच्छेद 15(2) कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, सीमा या स्थिति के अधीन नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के महलों तक पहुंच या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों का उपयोग जो पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए गए हैं या आम जनता के लिए उपयोग किए गए हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? ए
12, बी 14, सी 16 या फिर डी 22। हमारा उत्तर है बी 14। संविधान ने 1950 में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तब से सूची को 3 बार विस्तारित किया गया है, एक बार सिंधी को शामिल करने के लिए, दूसरी बार कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को शामिल करने के लिए और एक बार फिर से 4 अन्य भाषाओं बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल करने के लिए। कुल मिलाकर 22 अनुसूचित हो गए हैं। राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसके प्रति जवाबदेह होगा? ए केवल सुप्रीम कोर्ट, बी भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, सी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा उत्तर है सी उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। किसी राज्य का राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए या उनके द्वारा किए गए या प्रदान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत पेश किया? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1891, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा उत्तर है सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संवैधानिक निरंकुशता ने प्रांतों में राज्यपालों और केंद्र की ओर से गवर्नर जनरल को कार्यकारी अधिकार प्रदान किया। किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को सक्षम बनाया? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की? ए 1948, बी 1949, सी 1950 या डी 1951। हमारा उत्तर है बी 1949। संविधान सभा में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। संगठन में बने रहने का निर्णय स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला प्रमुख विदेश नीति निर्णय था। राष्ट्रमंडल संप्रभु राज्यों का एक ढीला संघ है। ऋग्वैदिक दशराजन युद्ध में भरत किस नदी के तट पर विजेता बने? ए सिंधु नदी, बी सरस्वती नदी, सी सतलुज नदी या फिर डी परुष्णी नदी। हमारा उत्तर है डी परुष्णी नदी। ऋग्वेद के अनुसार 10 राजाओं की प्रसिद्ध लड़ाई त्रित्सु परिवार के भरत राजा सुदास और 10 प्रसिद्ध जनजातियों पुरु, यदु, दुर्वसा, अनु, द्रुहयु, अलीना के संघ के बीच थी। पक्था, भालानस, शिव और विशानन परुष्णी नदी के तट पर हुए खूनी और निर्णायक युद्ध में भरत विजयी हुए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? ए अशोक, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु या फिर डी कनिष्क। हमारा उत्तर है ए अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह धर्म ग्रंथों को संशोधित करने के लिए मोगली पुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किरातार्जुनीय के लेखक कौन थे?
ए भारवे, बी दंडिन, सी वराह मेहर या फिर डी कालिदास। हमारा उत्तर है ए भारवे। छठी शताब्दी के संस्कृत कवि भारवे किरातार्जुनीय अर्जुन एंड द माउंटेन मैन के लेखक थे। मौर्य साम्राज्य में बंदरगाहों का अधीक्षक कौन था? ए पत्तनाध्यक्ष, बी मनाध्यक्ष, सी कोषाध्यक्ष या फिर डी गणिकाध्यक्ष। हमारा उत्तर है ए पत्तनाध्यक्ष। अर्थशास्त्र में वर्णित अधिकारियों के अनुसार पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों के अधीक्षक थे। मौर्य साम्राज्य में खान प्रमुख के विभाग का क्या नाम था? ए दौवारिका, बी अंतपाल, सी कर्मांतिका या फिर डी पौरा। हमारा उत्तर है सी कर्मांतिका। मौर्य साम्राज्य में कर्मांतिका खान प्रमुख के विभाग का नाम था। हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक राजा का यूनानी राजदूत था? ए एंटियालसिडिस निकेफोरस, बी सेलेकस निकेटर, सी एलेक्जेंडर या फिर डी कॉन्स्टेंटाइन। हमारा उत्तर है ए एंटियालसिडास निकेफोरस। हेलियोडोरस शुंग राजा भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालसिडास निकेफोरस का यूनानी राजदूत था। उन्होंने लगभग 110 ईसा पूर्व विदिशा मध्य प्रदेश के पास प्रसिद्ध मन्नत हेलियोडोरस स्तंभ बनवाया था। शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? ए कोई भी नहीं, बी एक, सी दो या फिर डी तीन। हमारा उत्तर है सी दो। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन के दौरान रूढ़िवादी ब्राह्मणवादी आस्था को बढ़ावा देने के लिए दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। निम्नलिखित में से किसे टोचरियन के नाम से जाना जाता था? ए कुषाण, बी शक, सी हूण या फिर डी कालभ्रस। हमारा उत्तर है ए कुषाण। कुषाणों को यूचिस या टोचरियन के नाम से भी जाना जाता है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? ए विशाखदत्त, बी दंडिन, सी भारवी या फिर डी कालिदास। हमारा उत्तर है ए विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदेव का संस्कृत नाटक है या गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुवदेवी को एक शक आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करते हैं, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। नाटक के चरम उत्कर्ष में चंद्रगुप्त ने रामगुप्त को गद्दी से उतार दिया और ध्रुवदेवी से विवाह कर लिया। कृपया ध्यान दें कि 11वीं शताब्दी के फारसी पाठ मजमल उत तवारीख में इस नाटक के कथानक के कुछ भाग शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? ए उतनूर, बी उयूर, सी भीमबेटका या फिर डी बैराट। हमारा उत्तर है सी भीमबेटका। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य भारत में एक पुरातात्विक स्थल है, जो प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्यपाषाण काल के साथ साथ ऐतिहासिक काल तक फैला हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशान और एचुलियन में साइट पर शुरू हुए पाषाण युग के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित दो राज्य भारत में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं? ए झारखंड और छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सी बिहार और पश्चिम बंगाल या फिर डी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। हमारा उत्तर है ए झारखंड और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा जिला है? ए अलापुझा, बी दौसा, सी माहे या फिर डी तिरप। हमारा उत्तर है सी माहे।
माहे भारत का सबसे छोटा जिला है जो भौगोलिक रूप से केरल में स्थित है, लेकिन प्रशासनिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी के नियंत्रण में आता है। अलापुझा केरल का सबसे छोटा जिला है। दौसा राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तिरप अरुणाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है और कन्याकुमारी तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कक्ष कारण समुद्र की मंदी से बनता है। कुचामन, सांभर और डीडवाना खारे पानी की झीलें हैं। अरावली के पूर्व की भूमि बागड़ कहलाती है। राजस्थान में छोटी छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ बाढ़ के मैदान कहलाते हैं रोही के रूप में। हमारे ऑप्शंस हैं ए एक और दो, बी एक दो और तीन, सी एक दो और चार या फिर डी एक दो तीन और चार। हमारा उत्तर है एक दो और चार। कक्ष का रण समुद्र की मंदी से बना है। कुचामन, सांभर और डीडवाना खारे पानी की झीलें हैं। राजस्थान में छोटी छोटी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ बाढ़ के मैदानों को रोही के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए हिमालय सबसे प्राचीन पर्वत है। बी हिमालय तेथिस सागर से तब उत्पन्न हुआ जब समुद्र संकुचित हो गया। सी एक हिमालय का निर्माण पृथ्वी की पपड़ी में खराबी के कारण हुआ। डी उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर है बी हिमालय तेथिस सागर से तब उभरा है जब समुद्र संकुचित हो गया था। निम्नलिखित हिमालयी पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। एक डफला पहाड़ियां, दो मिरी पहाड़ियां, तीन अबोर पहाड़ियां, चार मिश्मी पहाड़ी। हमारे ऑप्शंस हैं ए एक दो तीन चार, बी चार तीन दो एक, सी तीन एक दो चार या फिर डी दो एक चार तीन। हमारा उत्तर है बी चार तीन दो एक। सभी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। पूर्व से पश्चिम क्रम मिश्मी पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां, मिरी पहाड़ियां और फिर डफला पहाड़ियां। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है? ए खारदुंगला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी पेंसिला दर्रा या फिर डी बारा लाचला दर्रा। हमारा उत्तर है बी बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। वर्ष 1956 में इसका उद्घाटन किया गया। सुरंग की कुल लंबाई करीब 2.85 किलोमीटर है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या अधिकतम होगी? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी माध्यमिक उपभोक्ता या फिर डी डीकंपोजर। हमारा उत्तर है डी डीकंपोजर। बार बार खाने और खाए जाने वाले जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधों से भोजन के स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। एक खाद्य श्रृंखला होती है निर्माता या स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी और फिर डीकंपोजर। डीकंपोजर खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषी स्तर बनाते हैं। डीकंपोजर वे जीव हैं जो सभी पोषी स्तरों के मृत कार्बनिक पदार्थ जिन्हें अपरद कहते हैं पर भोजन करते हैं और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। डीकंपोजर के उदाहरण बैक्टीरिया, कवक, घुन, मिलीपेड, केचुए, नेमाटोड, स्लग, केकड़े और मुलस्क हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल अलियाबाद सराय निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? ए खारदुंगला दर्रा, बी पीर पंजाल दर्रा, सी जोजिला दर्रा या फिर डी बारा लाचला दर्रा। हमारा उत्तर है बी पीर पंजाल दर्रा। अलियाबाद सराय पीर पंजाल दर्रे में स्थित एक विश्राम गृह है।
कहा जाता है इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर ने करवाया था और इसके निर्माण के लिए अली मर्दन खान को इंजीनियर नियुक्त किया गया था। IUCN की रेड लिस्ट निम्नलिखित में से किसकी सूची प्रदान करती है? ए GM पौधे, बी खतरनाक पौधों की प्रजातियां, सी संकटग्रस्त प्रजातियां या फिर डी खतरनाक जानवरों की प्रजातियां। हमारा उत्तर है सी संकटग्रस्त प्रजातियां। IUCN की रेड लिस्ट संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रदान करती है। इसे पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सबसे व्यापक उद्देश्यपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1964 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा की गई थी। ओजोन परत निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी बहिर्मंडल या फिर डी थर्मोस्फीयर। हमारा उत्तर है बी समताप मंडल। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी UV विकिरण को अवशोषित करता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। इसमें वायुमंडल के अन्य भागों की तुलना में ओजोन की उच्च सांद्रता होती है। समताप मंडलीय ओजोन हानिकारक नहीं है लेकिन भूमि पर इसकी उपस्थिति हानिकारक है। पिंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था कहां स्थित है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी असम। हमारा उत्तर है बी मध्य प्रदेश। पिंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई। वर्ष 2011 में इसे सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन पुरस्कार मिला। प्रोजेक्ट टाइगर योजना 1992 में शुरू की गई थी। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत आती है? ए राष्ट्रीय सौर मिशन, बी बचत लैंप योजना, सी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवकरण मिशन, डी अक्षय प्रकाश योजना। हमारा उत्तर है बी बचत लैंप योजना। CFL प्रकाश योजना या बचत लैंप योजना क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र के तहत प्रमाणित उत्सर्जन अधिकारों की बिक्री का लाभ उठाकर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप के साथ अकुशल बल्बों के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देती है। इसने UNFCCC CDM गतिविधि कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त कर ली है। बचत लैंप योजना CFL की कीमत कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र का उपयोग करना चाहती है। पिट्टी द्वीप जो एक पक्षी अभयारण्य और समुद्री पक्षियों का निवास स्थान है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप द्वीप समूह, सी दमन और दीव या फिर डी पौंडिचेरी। हमारा उत्तर है बी लक्षद्वीप द्वीप समूह। पिट्टी द्वीप जिसे पाक्षी पिट्टी के नाम से भी जाना जाता है एक निर्जन मूंगा टापू है जो भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। यह सूटी टर्न, ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न और ब्राउन नोडी जैसी पेलेजिक पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोंसला बनाने का स्थान है। हुलोंगपर गिब्बन अभयारण्य जो भारत में एकमात्र वानरों का घर है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी नागालैंड, सी असम या फिर डी कर्नाटका। हमारा उत्तर है सी असम। हुलोंगपर गिब्बन अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। यह सदाबहार वन एक पृथक संरक्षित क्षेत्र है। इसे आधिकारिक तौर पर 1997 में गठित किया गया था। यह भारत में एकमात्र वानर हुलॉक गिब्बन का घर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है? ए अनुसूची 3, बी अनुसूची 4, सी अनुसूची 5 या डी अनुसूची 6।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में वे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं जो अलग अलग स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती हैं। निम्नलिखित में से किस जैविक अंतःक्रिया की विशेषता यह है कि एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ए सहभोजवादी, बी प्रतिस्पर्धा, सी शिकार या फिर डी अमेंसलिज्म। हमारा उत्तर है डी अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म वह जैविक अंतःक्रिया है जिसमें एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है और दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। उदाहरण के लिए सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन में बड़े पेड़ छोटे पेड़ को छाया देते हैं जिससे उनकी वृद्धि रुक जाती है, जो पशुवाद का एक उदाहरण है। भारत में टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? महाराष्ट्र का मेलघाट सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीसलेम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों या डी कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी केवल दो। तेलंगाना में नागार्जुन श्रीसलेम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र का बोर बाघ रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। निम्नलिखित में से किस राजा ने राजस्थान के ओसियां मंदिरों का निर्माण कराया था? ए सोलंकी, बी प्रतिहार, सी चुहाना या फिर डी गुहलोत। हमारा उत्तर है बी प्रतिहार। प्रतिहारों ने राजस्थान में ओसिया मंदिरों का निर्माण कराया। यह 783 ईस्वी में निर्मित एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में ड्री फेस्टिवल, जो फसल कटाई का एक त्योहार है, मनाया जाता है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम या फिर डी नागालैंड। हमारा उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। ड्री फेस्टिवल, जो कि फसल कटाई का एक त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के केंद्र में जीरो नामक एक शांत देवदार से ढकी घाटी में रहने वाले अपातानी गीले चावल की खेती की अपनी अनूठी प्रथा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण निम्नलिखित में से किनका अवतार था? ए विष्णु, बी शिव, सी गणेश या फिर डी हनुमान। हमारा उत्तर है सी गणेश। धूम्रवर्ण गणेश का अवतार है। धूम्रकेतु, जिसे धूम्रवर्ण भी कहा जाता है, हिंदू भगवान गणेश का अवतार है जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। गुंदेचा बंधु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की निम्नलिखित शैलियों में से किसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ए ख्याल, बी थराना, सी ध्रुपद या फिर डी ठुमरी। हमारा उत्तर है सी ध्रुपद। गुंदेचा बंधु ध्रुपद के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। वे डागर वाणी की ध्रुपद शैली के शास्त्रीय गायक हैं। 1985 से 2019 तक इस जोड़ी में भाई उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा शामिल थे और उन्हें 2012 के लिए कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसने तेलुगु में पहला उपन्यास लिखा था? ए वीरसलिंगम, बी वेंकटरत्नम पंतलु, सी गुरजादा अप्पाराव या फिर डी श्री श्री। हमारा उत्तर है ए वीरसलिंगम। राजशेखर चेरट्रम तेलुगु का पहला उपन्यास था, इसे वीरसलिंगम ने लिखा था। फर पेंटिंग भारत के किस राज्य में प्रचलित एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा या फिर डी आंध्र प्रदेश। हमारा उत्तर है ए राजस्थान। फर पेंटिंग एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग है जो पारंपरिक रूप से कपड़े या कैनवास के लंबे टुकड़े पर की जाती है, जिसे फड़ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की चित्रकला मुख्य रूप से राजस्थान में प्रचलित है और राजस्थान के लोक देवताओं, ज्यादातर बाबूजी और देवनारायण की कथाओं को फड़ों पर चित्रित किया गया है।
इन चित्रों को अक्सर भोपा नामक पारंपरिक गायकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ब्रिटिशों ने भारतीय कलाकारों को पश्चिमी तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर में स्कूल स्थापित किए? बॉम्बे, आगरा, मद्रास। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, या फिर डी केवल दो। हमारा उत्तर है सी, केवल एक और तीन। भारतीय कलाकारों को पश्चिमी तकनीकों में प्रशिक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे प्रमुख शहरों में स्कूल स्थापित किए। कलाकार जो इन स्कूलों से स्नातक हुए या जिन्होंने इन स्कूलों में सिखाई गई तकनीकों को लागू किया, उन्हें कंपनी स्कूल कलाकार कहा जाता था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए ऋषभनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी महावीर, या डी काशीनाथ। हमारा उत्तर है ए ऋषभनाथ। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे, जो जैन परंपरा के अनुसार लाखों साल पहले हुए थे। 23वें तीर्थंकर 900 ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंधित है? ए टेनिस, बी गोल्फ, सी हॉकी, या डी पोलो। हमारा उत्तर है बी गोल्फ। मिशन हिल्स विश्व कप या ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप का उपयोग 2007 और 2011 के बीच चीन में शेंजन प्रांत के मिशन हिल्स गोल्फ क्लब में आयोजित विश्व कप गोल्ड के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले का बहिष्कार करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी था? ए भाईचुंग भूटिया, बी धनराज पिल्ले, सी चंदू बोर्डे, या डी दिव्येंदु बरुआ। हमारा उत्तर है ए भाईचुंग भूटिया। 2008 में तत्कालीन भारतीय फुटबॉल कप्तान भाईचुंग भूटिया ने तिब्बत के लोगों और उनके संघर्ष के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक मशाल ले जाने से इनकार कर दिया था। युवा ओलंपिक खेल किस वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ए 10 से 14 आयु वर्ग के युवा, बी 14 से 18 आयु वर्ग वाले युवा, सी 13 से 21 आयु वर्ग वाले युवा, या फिर डी 14 से 21 आयु वर्ग वाले युवा। हमारा उत्तर है बी 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 14 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए युवा ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। क्रिकेट गेंद का मानक वजन कितना होना चाहिए? ए 6 और 7 औंस के बीच, बी 5 और 6 औंस के बीच, सी 7 और 8 औंस के बीच, या फिर डी 8 और 9 औंस के बीच। हमारा उत्तर है बी 5 और 6 औंस के बीच। क्रिकेट के नियम कोड में परिभाषित नियमों के अनुसार एक मानक क्रिकेट गेंद का वजन 5 और 6 औंस के बीच होना चाहिए। यह अब मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब इंग्लैंड के स्वामित्व में है। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना किसने की थी? ए मेलविले मार्क्स रॉबिन्सन, बी जॉन कूपर, सी पियरे डी कूपर्टिन, या फिर डी रोजर बैनिस्टर। हमारा उत्तर है ए मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन। मेलविल मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में खेलों की स्थापना की थी, जिन्हें पहली बार 1930 में हैमिल्टन में आयोजित किया गया था। If you like the video, don't forget to give us a thumbs up and tell us how you feel about our video in the comment section. For more updates of India and the world, stay connected with Adhyayan IAS.